पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद थाना नागफनी क्षेत्र के कचहरी रोड पर चार अज्ञात युवकों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की और चारों युवक मौके से फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर नागफनी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां युवक का मेडिकल परीक्षण कराया गया। घायल युवक के बड़े भाई अर्पित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका छोटा भाई दीपांशु जैन 13 फरवरी को घर के काम से कहीं जा रहा था। रास्ते में ओवरटेक करने को लेकर कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। जब मामला निपट गया, मगर उन लड़कों ने रंजिश रखते हुए 24 जनवरी की रात कचहरी रोड पर दीपांशु जैन को एक रेस्टोरेंट से खाना खाते हुए मारपीट शुरू कर दी और जमकर मारपीट की, जिसके बाद सभी युवक मौके से फरार हो गए। युवकों के खिलाफ नागफनी पुलिस को एक तहरीर दी गई है। घायल युवक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम अर्पित जैन है। क्या घटना हुई है? जो ये मेरा छोटा भाई है दीपांशु जैन, अभी 13 तारीख के दिन ये अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तो दो तीन लड़कों से ओवरटेकिंग गाड़ी हो गई थी। ओवरटेकिंग पे इसकी थोड़ी सी बहस हो गई, कहासुनी हो गई, हॉट टॉक हो गई थी, बात उसके दिन वहीं की वहीं ख़त्म हो गई थी। अब वो 13 तारीख से उस बात को अपने सीने में लिए बैठे थे। और अभी कल रात की बात है, कल रात ये खाना खा रहा था पहलवान ढाबे पे, कचहरी पे, रोडवेज पे। वहाँ पर इसे 6 लड़के आए और राज नाम था लड़के का एक, और उन्होंने इसे दुकान से निकाला मुँह पे दुपट्टा बांध के और इतना मारा है कि इसकी स्थिति ख़राब हो गई है और इसकी चैन भी वो लोग तोड़ के ले रहे हैं। इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी है उन्होंने कि आँखें वाँखें बस इसकी फूटने से बची हैं, बाकी इसके दांत वात सब हिले हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा स्थिति इसकी ख़राब कर दी है। वो 6 लड़के थे और 6 लड़कों ने इसे अकेले मारा है। पुलिस से शिकायत करी है ऐसी हमने। अभी तक तो पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं करी है किसी भी प्रकार से। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? प्रशासन से हम यही कहते हैं कि उच्च से उच्च कार्यवाही की जाए इसके ऊपर, मतलब हमें उन लड़कों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।